हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रिंस और मैं स्ट्रक्चर इंजीनियर हूँ अलीगढ़ कानपुर हाईवे में। आज मैं हूँ आरओबी पे। ओके, तो जो भी चीज़ें मेरे साइट पे हो रही है तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ वो शेयर करूँ और आपको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो जिन्हें नहीं आता। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग ये स्टेजिंग कैसे निकालेंगे। जो हमारा ये स्टेजिंग का हाइट है, ये अरेंजमेंट है पूरा ISMB का, स्टैंडर्ड का, लेजर का, यू जैक, बेस जैक, हर एक चीज़। ओके, ये कैंटिलीवर पोर्शन में हम लोग कैसे निकालते हैं, क्या प्रोसीजर है, ठीक है, इसका स्टेजिंग कैसे करना है, तो ये मैं हर चीज़ आपको आज बताने वाला हूँ। तो इस चीज़ के लिए आपको सबसे पहले ये ड्राइंग खोलनी है। ठीक है, ड्राइंग में आप जिस स्पान पे हो उस स्पान का आपको वो पेज खोलना है। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे P1 पे हूँ। ठीक है, तो ये आ गया अपना पियर P1। अब इस ड्राइंग में एक लेवल शीट होता है, एक लेवल चार्ट होता है जिसमें आपको हर एक चीज़ का लेवल दिया होता है। ठीक है, तो ये जैसे मेरा P1 है। ठीक है, अब पियर कैप टॉप लेवल दिया है, पाइल कैप टॉप लेवल दिया है, पाइल कट ऑफ लेवल, हर एक लेवल दिया रहता है आपको। ठीक है, तो ये जो ड्राइंग है, अब मेरे को ढूंढना है इस ड्राइंग में कि पियर कैप टॉप लेवल कहाँ पे है। तो वो वहाँ पे है, पियर कैप टॉप लेवल आपको यहाँ का टॉप लेवल दे दिया है। ठीक है, अब आपका कैप यहाँ से चालू हो रहा है और ये टॉप लेवल दिया, तो आपको यहाँ से यहाँ तक का हाइट पता है, तो आप यहाँ का लेवल आप पता कर सकते हो। तो यहाँ का अगर हाइट है मेरा, यहाँ पे देखिए 1 मीटर और यहाँ पे 500, मतलब 1.5 मीटर, 1.5 मीटर अगर यहाँ से मैं डाउन आ जाऊँगा तो मेरे को पता चल जाएगा कि मेरा ये कैप का जो बॉटम लेवल है वो क्या है। ठीक है, तो जो मेरा टॉप लेवल यहाँ पे दिया हुआ था उसमें से मैं 1.5 मीटर माइनस कर देता हूँ, तो मेरा इसका जो प्लेट जो हम लोग लगाएंगे ऊपर में, जिसके ऊपर कैप रेस्ट करेगा, ओके, कंक्रीट का सरफेस, फर्स्ट सरफेस रेस्ट करेगा, वो होगा अपना ये वाला लेवल। ओके, तो मैंने एक वो बनाया है, जैसे ये अपना 1 मीटर है, 500 है, 1.5 मीटर हो गया, मेरे को यहाँ का लेवल पता था। ओके, पियर कैप टॉप लेवल 146.656, उसमें से मैंने 1.5 मीटर यहाँ से नीचे आ गया, नीचे आया तो माइनस करेंगे तो 145.156। ओके, पाइल कैप टॉप आरएल, पाइल कैप मतलब जो हमने ये पाइल कैप है ये हमारा 1.8 मीटर का, इसका मेरा टॉप लेवल, मतलब हम लोग स्टेजिंग खड़ा कर रहे हैं तो हम लोग इसके ऊपर कर रहे हैं खड़ा। ठीक है, आगे जो अपना कैंटिलीवर पोर्शन है 3 मीटर 600 का, तो वो हम लोग क्या कर रहे हैं, वो हम लोग आगे PCC या कुछ करके बेड बना के हम लोग वो कर लेंगे। तो अपना एक लेवल है, तो वो है पाइल कैप टॉप लेवल, वो है अपना 138.100। अब एक बात बताइए, मेरे को यहाँ का लेवल पता है, यहाँ का भी लेवल पता है, तो मैं दोनों को अगर बड़े को छोटे से माइनस कर दूँ तो ये पूरा हाइट आ जाएगा अपना, आ जाएगा ना, तो अपना ये हाइट आ गया 7 मीटर 56 एमएम। ओके, ये टोटल हाइट है। अब मेरे को इसका अरेंजमेंट बताना है। कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा कि मेरे को साहब अरेंजमेंट बताइए कि मैं क्या लगाऊं, क्या करूं, कितना स्टैंडर्ड लाऊं, कितना लेजर लाऊं, कितना यू जैक, बेस जैक, ISMB कितना लाना है। ठीक है, तो ये जो अपना हाइट है, तो एक थंब रूल पकड़ लीजिए, ISMB जो होता है हम लोग जो लगाते हैं यूजुअली वो 125 mm का लगाते हैं, जो अपना प्राइमरी ISMB होता है, मतलब ये वाला जो फुल लेंथ में गया है, ये देखिए ये प्राइमरी ISMB है, ये पूरा जो लंबे लेंथ में गया है, ये वाला जो सबसे यू जैक ऐसे है उस पर आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो देखिए छोटा छोटा ISMB ऐसे ऐसे गया है, ये वाला, ये होता है सेकेंडरी ISMB जो उसके ऊपर रेस्ट करता है। ठीक है, ये है, तो प्राइमरी प्लस सेकेंडरी हो गया 250 mm, 50 mm का प्लेट आ गया, 50 mm का प्लेट हो गया। देखिए ये जो टोटल हाइट है ना, जो स्टैंडर्ड है अपना, जैसे ये देखिए 250 mm प्लस प्लेट का 50 mm, 300 mm, तो ये टोटल हाइट में मैं ऊपर से 300 mm माइनस कर दिया हूँ। ठीक है, ISMB का और प्लेट का, तो वो आ गया 6 मीटर 756। अब इसमें 6 मीटर 756 में मैं क्या कर रहा हूँ, 6.5 मीटर का स्टैंडर्ड लगा रहा हूँ, मतलब उसका कॉम्बिनेशन हो सकता है 3 मीटर का स्टैंडर्ड प्लस 3 मीटर प्लस आधा मीटर, 3 2 1.5 भी लगा सकते हैं, 2 2 2 और आधा भी लगा सकते हैं, लेकिन ये जॉइंट ज़्यादा आ जाएगा, जॉइंट पिन ज़्यादा खर्चा आएगा, तो हम लोग इसको इग्नोर करेंगे लास्ट वाले को। तो हम लोग इन दोनों में से जो भी अपने पास अवेलेबल हो हम लोग वो लगा सकते हैं। तो ये अपना आ जाएगा 6.5 मीटर, 6.5 मीटर में, 6 मीटर 756 में 6.5 मीटर माइनस करते हैं
तो बचता है 256 mm। अब अपने पास क्या चीज़ें बच गई, एक बच गया बेस जैक, एक बच गया यू जैक। ओके, एक आ गया अपना यू जैक, एक आ गया अपना बेस जैक, ठीक है, जिसमें पाइप आना है। ठीक है, ये अपना आ गया टोटल जो हाइट आ रहा है, ये आ गया अपना 6 मीटर 500। ठीक है, जो बचा 256 mm, 256 बचा, तो हम लोग क्या करेंगे, बेस जैक को 150 खोल देंगे। 156 अगर खोल दिया तो बचा कितना, 100 mm, यू जैक 100 mm खोल दिया, तो ये अपना अरेंजमेंट हो सकता है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। ये देखिए अपना इरेक्शन चल रहा है, प्लेट हम लोग लगा रहे हैं। ओके, ये कैप हम लोग ऑलरेडी कास्ट कर चुके हैं। ऑलराइट, ये कास्टिंग भी हो चुका है, ये RO भी है अपना। आगे मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए गडर लॉन्चिंग जो हमने करवाया है, आगे और ब्रिजेस हैं जहाँ गडर लॉन्चिंग होना है, और सारा अरेंजमेंट वहाँ पे चल रहा है, तो मैं वहाँ भी जाके आपको दिखाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए वीडियो। जय हिंद।